बायोडायवर्सिटी में ट्रम्प कार्ड। बायोडायवर्सिटी इशू इज अ चाइनीज जोक, हॉक्स। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बायोडायवर्सिटी इशू को चाइनीज जोक्स के रूप में उपहास उड़ा दिया है। और ऐसी आशंका जीवंत हो रही है कि ट्रंप जो बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की जो डील है, ग्लोबल संधि है, उससे वो उसको तोड़ सकते हैं, हट सकते हैं। ट्रंप ने क्विट फ्रॉम द डील। बायोडायवर्सिटी इशू पर ट्रंप और मोदी की जोड़ी नंबर वन। जिस प्रकार ट्रंप ग्लोबल एनवायरनमेंट की जितनी भी संधियां हैं, अर्थ समिट हैं, उसको लगातार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय नेतृत्वकर्ता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी पर्यावरणीय कानूनों की का उपहास उड़ा रहे हैं। इंडिया इज लीस्ट कंसर्न ऑन बायोडायवर्सिटी इशू। वो कहते हैं जितनी भी पर्यावरणीय संधियां हुई हैं, जो डील हुई हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, ना कि नेशनल लेवल पर। ये देखिए, जबकि विश्व स्तर पर जो संधियां हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, वो देखिए कितनी गंभीर चिंताएं हैं। जैव विविधता प्रबंधन, बायोडायवर्सिटी का जो ह्रास हो रहा है, उसके ऊपर वैश्विक चिंतन तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो विश्व के नेतृत्व करता है वो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सब चाइनीज मजाक है, जोक्स है, जितना भी एनवायरनमेंट कंसर्न है वो उन्होंने चाइना पर ढोल दिया। चाइना पे क्यों ढोला? क्योंकि अमेरिका और भारत का दुश्मन एक है, चाइना। यहां पर देखिए, चाइना की आड़ लेकर वो ट्रंप और मोदी, जो कि जोड़ी नंबर वन बन रहे हैं, उन दोनों ने मिलकर चाइना पे आरोप लगाकर जैव विविधता प्रबंधन पर अपनी दोहरी और संकीर्ण मानसिकता का खुलासा कर दिया। वो ये कहते हैं, इंडिया में बायोडायवर्सिटी क्राइसिस मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को केंद्र सरकार क्यों बंद करने पर मजबूर कर रही है? ये देखिए, भारत में भारत सरकार ने बायोडायवर्सिटी क्राइसिस मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान को प्रवर्तित किया 28 नवंबर 2003 को। देखिए, महिलाओं के समूह ने पूरे वैश्विक जगत को चौंका दिया। भारत की नारी शक्ति ने, जो संचालक हैं इस संस्था के प्रवर्तन में, 5 नारी शक्तियों ने सहयोग कर संपूर्ण वैश्विक जगत को चौंका दिया कि पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका भी होती है और उसको अनदेखा नहीं किया जाए। भारत में दिनांक 23 दिसंबर 2003 को प्रवर्तित हो गया था, जबकि जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को हर वर्ष बनाते थे, लेकिन अब 22 मई को ही जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे बनाया जाता है। यहां पर देखिए,
अब विचारणीय प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी कंसर्न की इंस्टीट्यूशन पर इनकम टैक्स का क्या डलेगा छापा? आज भारत सरकार के खिलाफ 20 PIL लगी हुई हैं पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित, तो ऐसी आशंका जीवंत होती है कि इनकम टैक्स या ED के माध्यम से भारत सरकार इन संस्थाओं पर दबाव बनाए और जो कि जैव विविधता प्रबंधन पर जो भी कार्रवाई हो रही है, तकनीकी शोध एवं अनुसंधान हो रहा है, उसको जग जाहिर नहीं किया जाए। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा भी दरकनार कर रही है केंद्र सरकार और MP गवर्नमेंट। राष्ट्रपति ने विश्व के सर्वाधिक आपदा प्रभावित और पर्यावरण प्रदूषित जिले नीमच में पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं के गठन की अनुशंसा की, लेकिन आज एक साल हो गया फिर भी इन संस्थाओं को अधोसंरचना प्रदान नहीं की गई। विचारणीय पहलू है, क्या वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए दबाव बनाकर पर्यावरणीय संस्थाओं को अधोसंरचना प्रदान करने में सहयोग करेंगे, या फिर वो सिर्फ दिखावटी अनुशंसाएं करते हैं? क्योंकि देश के अंदर जो कानून बने पर्यावरणीय कानून, वो दिखावटी बने हैं और इसका प्रमाण शोध एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा जो भी प्रस्तुत किए गए हैं, लेख प्रस्तुत किए गए हैं, वो उसको प्रमाणित करते हैं।